अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की खीर, बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक टोप लिया है, गैस मैंने चालू कर दिया। इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूंगी। तीन गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाले हैं। ये मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं, जिसको मैं पानी उबलने के बाद इसमें डाल दूंगी। अभी मैं पानी को ढक देती हूँ। यहाँ पर पानी उकल चुका है। अब इसके अंदर जो हमने 250 ग्राम चावल लिए थे, मैं उसको डाल दूंगी इसके अंदर। और पानी सूखने तक का हम चावल इसमें ही बनाएंगे। मैं इसको हिला दूंगी अच्छे से। अब इसको मैं ढक दूंगी। अब इसको ढक के पकने देंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमारे चावलों में से पानी बिल्कुल सूख गया है। पचास परसेंट तक का इसी में गल चुके चावल। अब इसके अंदर मैंने ये 3 लीटर दूध लिया है, इसमें डाल दूंगी। ये 3 लीटर दूध था, मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। अब इसको चला देंगे और फिर इसको हम उबलने देंगे। यहाँ पर दूध में बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर में यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी इलायची ली थी, जिसको मैंने अच्छे से बारीक कूट लिया है। अब मैं इसको डाल के इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसी के अंदर में यहाँ पे मैंने केसर के लच्छे लिए, उसको भी डाल दूंगी मैं। अब गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर तक के। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम शक्कर ली है, मैं इसमें शक्कर डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और अच्छे से पकने देंगे इसको। यहाँ पर देखिए, खीर बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुकी है। ये देखिए। अब इसके अंदर में यहाँ पर मैंने कटोरी के अंदर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसको मैंने पानी में डाल के अच्छे से और इसमें डाल दूंगी। और इसी के अंदर मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिए थे, उसको भी डाल दूंगी। बस अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट तक का और पकने दूंगी। बन के तैयार है हमारी मजेदार सी खीर। अगर आपको मेरी खीर की रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।